इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम सब लोग बिना जाने और समझे कुछ भी बोल जाते हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आज की कहानी जो है वो आपके मन को अंदर से सोचने पर मजबूर कर देगी और आप अपने आप को कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। एक समय की बात है, कुछ लोग ट्रेन में बैठकर जा रहे थे। उसी ट्रेन में एक 20 साल की लड़की भी जा रही थी। लड़की हरे पेड़ और बगीचों को देखकर खुश हो जाती और अपने पापा से बोलती, पापा देखो ना पेड़ और जमीन कैसे एक साथ भाग रहे हैं। उसके पापा ने कुछ नहीं बोला और बस मुस्कुरा कर ही रह गए। थोड़ी देर बाद वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, पापा वो देखो पहाड़ कितनी तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। उसी सीट के बगल में कुछ यंग लोग बैठे थे जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो सब उस लड़की को देखकर उसकी हंसी बनाने लगे। वो लोग लड़की की इस बात को लेकर उसका मजाक बनाने लगे और कहने लगे, इन पागलों और मूर्खों को इसी ट्रेन में बैठने को जगह मिली थी। थोड़ी देर ही हुई थी कि लड़की ने फिर से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे पापा ये देखो पेड़ के साथ साथ बादल भी चल रहे हैं। लड़की की इस तरह की बात सुनकर बगल वाले लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और वो बोले, आप अपनी बेटी को अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, इतनी बड़ी हो गई है और बोल रही है कि बादल भी चल रहे हैं। उनकी यह बात सुनकर उस लड़की के पिताजी ने बोला, वह अभी अभी डॉक्टर के पास से ही आई है और बचपन से ही अंधी थी, आज ही इसकी आंख वापस आई है और उसने कभी बादल और पेड़ को नहीं देखा है। लड़की के पिता की यह बात सुनकर वहां बैठे लोग बहुत ही बुरा महसूस करने लगे और तुरंत ही उसके पिता से माफी मांग ली। इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि हम लोगों को कोई भी बात किसी के भी बारे में बोलने से पहले पूरी बात को जान लेना जरूरी है। अगर आप बिना पूरी बात जाने कुछ करते हैं तो हो सकता है आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिसको आप कभी माफ नहीं कर सकते हैं।